और बड़े भाव के साथ भगवान की दिव्य भव्यमयी अमृतमयी कथा का रसास्वादन लाभ प्राप्त करने ही तो हम सब यहाँ बैठे हैं। देखिए भगवान की जो कथा है आज पंचम दिवस आ गया, सुख का जो स्थान है ये हजार स्थान है फिर भी कम लगता है और दुख का सौ स्थान है लेकिन उसके बाद भी ज्यादा लगता है। सुख जितना जल्दी आता है उतना ही जल्दी चला भी जाता है लेकिन दुख एक बार आ जाए तो महाराज दुख की रात्रि दुख का दिन पहाड़ सा लगने लगता है। इसलिए मेरे बंधुओं भगवान से ये प्रार्थना करना चाहिए कि राष्ट्र में कभी कोई दुखी न हो, सबके जीवन में सुख हो, सबके जीवन में आनंद हो और इस संसार में शत्रु के लिए भी प्रार्थना करना चाहिए कि वो सुखी रहे क्योंकि जब वो सुखी रहेगा तभी तो हमसे लड़ेगा और खुद ही परेशान रहेगा तो हमसे लड़ेगा कहां से। आप जब सबके लिए भलाई करते रहोगे तो बाबा जी ने कहा है कि जो दूसरे का भला सोचता है उसका कभी बुरा नहीं हो सकता। इसलिए हमेशा संसार की भलाई का प्रयास करते रहना चाहिए। कई लोग कहते हैं महाराज जी हम भलाई करते हैं लेकिन हमारे साथ बुराई हो जाता है। आप बताइए अगर व्यक्ति अपनी बुराई नहीं छोड़ रहा है तो आप अपनी अच्छाई क्यों छोड़ दिए। आपने उत्तिष्ठान सुना होगा कि किसी नदी में एक महात्मा स्नान कर रहे थे, एक 5 ग्राम का बिच्छू बहता हुआ जा रहा था। महात्मा ने सोचा बिच्छू मर जाएगा तो उन्होंने उसे जल से बाहर निकालने का संकल्प लिया, हाथ में उसको उठाया और उठा करके महाराज सोचा कि अब मैं इसको बाहर कर दूं लेकिन बिच्छू ने डंक मार दिया और जैसे बिच्छू ने डंक मारा ये बेचारे परेशान हो गए और जब परेशान हो गए तो ये फिर नीचे गिर गया। महात्मा ने कहा कि नहीं नहीं है तो जीव ही, मेरा कर्तव्य है इसको बचाना क्योंकि पर दुख द्रम ही संत सुपनीता, जो दूसरे के दुख में द्रवित होता है वही संत होता है। तो महात्मा ने कहा कि मैं इसको तो बाहर निकालूंगा और जैसे उसको बाहर निकालने के लिए आगे बढ़े हाथ लगाया फिर उसने डंक मार दिया। बगल में स्नान कर रहे एक व्यक्ति ने मुस्कुरा करके कहा क्यों महात्मा जी वो बिच्छू बार बार आपको डंक मार रहा है और आप बार बार मानवता दिखा रहे हैं। महात्मा ने कहा जब 5 ग्राम का बिच्छू अपने स्वभाव से मजबूर है तो हम 3.5 हाथ का शरीर लेकर के क्यों ना अपना स्वभाव दिखाएं, हमारा भी तो कर्तव्य है। जब वो अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकता तो हम अपना स्वभाव क्यों छोड़ दें। ध्यान दीजिएगा बुरा करने वाले का एक ही काम है वो हमेशा बुरा ही सोचता रहेगा, आप लाख अच्छा कर दो लेकिन ये पक्की बात है कि अगर आपने किसी के लिए बुरा नहीं सोचा है तो आने वाले समय में भगवान की डायरी में भगवान के हिसाब किताब में वो लिखा हुआ है। वो न्याय करते हैं कभी अन्याय नहीं करते। दिखता तो है कि आज हम परेशान हैं लेकिन वो परेशानी भगवान की कृपा से ऐसा सुलभ रास्ता निकल जाता है कि वो परेशानी अपने आप समाप्त हो जाता है। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। अच्छा अब आप जाने कि भगवान है कौन। भगवान है वान माने विजेता, जिसने संसार के प्रत्येक परिस्थितियों पर विजय प्राप्त कर लिया है वही कौन है, भगवान है।
राम का छवि देखिए, कृष्ण का छवि देखिए, शिव जी का छवि देखिए, आज तक कहीं आपको ये नहीं मिलेगा कि भगवान कहीं रो रहे हैं। हर जगह मुस्कुराते हैं और भगवान दुनिया को बताते भी यही हैं कि हर कदम पर मुस्कुराओ। जिंदगी में जिंदगी से राज पाना चाहिए, जिंदगी में जिंदगी को मुस्कुराना चाहिए। जिंदगी में जिंदगी की इच्छाएं अगर पूरी ना हो तो जिंदगी को जिंदगी से रूठ जाना चाहिए। मुस्कुराइए। अच्छा, रोज मैं आपसे निवेदन करता हूं कि संकल्प करिए कि 5 मिनट झूठा ही मुस्कुराऊंगा। दर्पण के सामने खड़े हो जाइए, बिना मन के हंसिए 5 मिनट, और रोज ये दृढ़ संकल्प ले लीजिए कि चाहे दुख पड़ेगा चाहे सुख पड़ेगा मैं मुस्कुराता रहूंगा। एक दिन धीरे धीरे ऐसा प्रभाव पड़ जाएगा कि आपको मुस्कुराने की आदत पड़ जाएगी, आप हमेशा मुस्कुराते रहोगे। देखिए, आपकी इच्छा के अनुसार कोई काम हो नहीं सकता, चाहे आप धनवान हो, बलवान हो, बुद्धिमान हो, कितना। कई लोग कहते हैं हमारे पास पैसा है हम तो ये कमवा चाहे जब कर ले। लेकिन ध्यान देना, पैसा है हो सकता जिस अधिकारी से आपका काम है वही उस दिन खाली ना मिले तब क्या करेंगे। कुछ लोग सोचते हैं कि हमारे पास पैसे हैं हम तो जब चाहे मकान बकान तैयार कर लें, जमीन ले लें, ये ले लें, वो ले लें। लेकिन हो सकता कि आप पैसा लेकर जा रहे हो रास्ते में कहीं गिर जाए तब क्या करोगे। माली की इच्छा रहती है कि हमेशा बरसात हो, कि हमारा फूल खिले और हमको अच्छा दाम मिले। कुम्हार चाहता है कि कभी बारिश ना हो, हमारा जो बर्तन है वो पके, उसको हम बेचे हमको दाम मिले। उल्लू चाहता है कि हमको रात में दिखाई पड़ता है तो हमेशा रातें बना रहे। कौवा चाहता है हमको दिन में दिखाई पड़ता तो हमेशा दिन बना रहे। लेकिन अब उल्लू के चाहने से रात नहीं होगा, कौवा के चाहने से दिन नहीं होगा, माली के चाहने से बरसात नहीं होगा और कुम्हार के चाहने से धूप नहीं होगा। होगा क्या? बोले राम कीन चाहें सोई होई, राम कीन चाहें सोई होई, करहीं अन्न था तस नहीं होई, करहीं अन्न था तस नहीं होई, राम कीन जा है सोई 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 होई, करहीं अन्न था तस नहीं होई, करहीं अन्न था तस नहीं होई। और इसी नाते आपने देखा होगा कि जब व्यक्ति अपना पल लगा करके हार जाता है तो कहता भैया परेशान ना हो जाओ, भगवान चाहेंगे वही हो। अच्छा, अब आप देखें तमाम पैसे वाले हैं, पैसे भी हैं, डीजल भी खरीद के ला सकते हैं, लेकिन अगर धरती में पानी ही ना रहे तो आप कहां से पानी चला करके अपना फसल उगा लोगे। तो वहां तो भगवान की कृपा की जरूरत पड़ेगी। अब कई लोग पूछेंगे कि भगवान है कौन? तो देखिए, भगवान जिसमें 6 भग है वही भगवान है। 6 भग क्या है? बोले पहले भग का नाम है ऐश्वर्य। भगवान में क्या है? ऐश्वर्य है। दूसरे भग का नाम है धर्म। भगवान में क्या है? धर्म है। तीसरे भग का नाम है यश। भगवान में यश है। चौथे भग का नाम है कीर्ति श्री। भगवान में श्री यानी कि लक्ष्मी है। पांचवें भग का नाम है ज्ञान और छठवें भग का नाम है वैराग्य। जिसमें ये 6 भग हैं वही कौन है? भगवान है। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। और इसी नाते मनुष्य को मनुष्य कहा गया और राम जी को क्या कहा गया? भगवान कहा गया। सकल अमानुष कर्म तुम्हारे, सकल अमानुष कर्म तुम्हारे,
सकल अमानुष कर्म तुम्हारे, सकल अमानुष कर्म तुम्हारे, केवल कौशिक कृपा सुधारे, केवल कौशिक कृपा सुधारे। अच्छा अब आप देखें, भगवान अगर भगवान न होते तो अहिल्या जो पतित हो गई थी, पति ने साथ छोड़ दिया था, उस अहिल्या माता को पावन बनाने का कार्य क्या कोई इंसान कर सकता था? अहिल्या माता को पावन बनाने का कार्य किसी इंसान के वश में नहीं है, अहिल्या माता को पावन बनाने का कार्य तो भगवान के वश में है। इसी नाते इनको क्या कहा गया है? भगवान कहा गया है। अब आप लोग कहेंगे कि कहां लिखा है कि राम जी को भगवान कहा गया है? तो रामचितमानस के बालकांड के 209 दोहे के चौथी चौपाई में लिखा है कि प्रभु ब्रह्मण्य देव मैं जाना और मोहिनित पिता तजौ भगवान। राम जी कौन है? भगवान है। अच्छा अगर भगवान ना होते तो राक्षस कौन है? बोले रक्षतीति रक्षा, जो अपनी समृद्धि की रक्षा करता उसी का नाम है राक्षस। और ताड़ुका को मारा, मारीच को बिना फनका बाण मारा, सुबाहु को मारा, तो जो ऐसे ऐसे राक्षसों के ऊपर विजय प्राप्त करे वह इंसान हो सकता है क्या? सकल अमानुष कर्म तुम्हारे। अच्छा भगवान को भगवान और कहां कहा गया? रामचितमानस के बालकांड के दोहा संख्या 253 और चौपाई संख्या 6। को तव प्रताप महिमा भगवान काबा पुरो पिनाक पुराना। और वाल्मीकि रामायण में भी लिखा हुआ है कि रामस्तु भगवान स्वयं, राम जी स्वयं भगवान है। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। एक बात बता दें, व्यक्ति इस संसार का उद्धार तब कर सकता है जब वह संसार के प्रति समर्पित हो। और ध्यान दीजिएगा, व्यक्ति अगर अपनी उपलब्धि से संतुष्ट है तो निश्चित रूप से वह राष्ट्र का उद्धार नहीं कर सकता। उस समय भारत की सीमा में आतंकवादी गिन आकर के पहुंच गए थे प्यारे। अगर समय से भगवान ने कार्य न प्रारंभ किया होता तो उस समय पूरा भारतवर्ष आतंकवाद का अड्डा बन जाता। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। अच्छा अपने परिवार की चिंता आपको होगी, पड़ोसी की चिंता आपको नहीं है। आप सुबह सुबह पेपर पढ़ने बैठिए और पेपर में लिखा होता है आज फला जगह बस पलटा चार मरे। टीवी में आपने न्यूज देखा आज वहां गोली लग गई उमर गया, उसको फांसी लग गई उमर गया। लेकिन आप चाय पीते हो, नाश्ता करते हो, पूरी पकवान खाते हो, आपको कोई मतलब नहीं है। आपके किसी रिश्तेदार का उसी समय फोन आ जाए, खास रिश्तेदार का, कि आपके फलाने की तबीयत खराब है, नाश्ता कर पाओगे? जब तक आप देख करके संतुष्ट नहीं हो जाओगे तब तक ना नाश्ता करने का मन करेगा ना भोजन, क्योंकि उससे आपका स्वार्थ है। और जिससे आपका स्वार्थ नहीं है, चाहे एक मरे, चाहे सौ मरे, चाहे हजार मरे, आपसे कुछ लेना देना? बोलो हाँ जी कि ना जी। कई कई आप देखना लोग पेपर पढ़ रहे होते हैं, लिखा होता है कि इतने मरे, चाय पियो चाय पियो, नाश्ता करो, ये जलेबी उठाओ, चना खाओ चना खाओ। अब चूंकि उससे मतलब नहीं है तुम्हारे तुम्हारे, लेकिन ध्यान देना, एक ऐसा भी है संसार में जिसको समाज की चिंता है, उसको कहते हैं संत। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। जानते हैं रावण का साम्राज्य इतना बड़ा था, रावण के राक्षस इतने बलवान थे कि पुडुचेरी
तमिलनाडु, आंध्र, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र सब जगहें कब्जा कर लिया था खरदूषण तिसरा ने, बोली सच्चिदानंद भगवान की। मारी चिस्वाहु आदि ने मिलकर के कब्जा कर लिया था पूरे बिहार प्रांत को, पूर्वांचल को कब्जा कर लिया था। और संत कौन है? बोले राष्ट्रीय समाधाने निरताहा इति संता। जिसको राष्ट्र की चिंता होती है वही कौन होता है? संत होता है। और उस समय विश्वामित्र जी को यह चिंता थी कि अगर राम जी को हम लेकर के नहीं जाएंगे तो इन आतंकवादियों का सफाया नहीं होगा। और उस समय विश्वामित्र जी लेकर के चले तो राक्षसों का उद्धार जिसने किया वो कौन है? भगवान है। ऐश्वर्य के बल पर भगवान ने राक्षसों का उद्धार किया। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। और उसके बाद बाबा जी लिखते हैं कि जब राम जी को पता चला कि धनुष यज्ञ में चलना है तो आगे बढ़े। धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, हरसी चले मुनि वर के साथा, हरसी चले मुनि वर के साथा। और पहुंचे कहां? जनकपुर। और जब जनकपुर में पहुंचे तो जनकपुर कैसा है? पुर नर नारी सो भग सोच संता, 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 धर्म शील ज्ञानी गुणवंता, धर्म शील ज्ञानी गुणवंता। अच्छा अब आप बताइए, रामायण में तीन बढ़िया स्थानों का चर्चा किया गया है, एक लंका, एक अयोध्या और एक जनकपुर है जी। पहले किसकी चर्चा की गई है? जनकपुर अयोध्या की, बीच में जनकपुर की, अंतिम में लंका की। अब आप देखें कि अयोध्या संतों की नगरी है, लेकिन ऐसा नहीं कि अयोध्या में केवल संत रहते। जैसे गांव के लोग कहावत कहते हैं, काबुल में कुल घोड़वे नाई होते एकाध गधा हो रहते हैं। बोली सच्चिदानंद भगवान। उसी प्रकार से अयोध्या संतों की नगरी है, लेकिन अयोध्या में सब संत नहीं थे। वहां कुछ ऐसे भी थे जो प्यारे बिल्कुल असंत थे, एक मंथरा और एक जिसने सीता जी को ताना मारा था। अच्छा अब रावण लंका की नगरी है, लंका की नगरी रावण की नगरी है, वो किसकी नगरी? राक्षसों की नगरी है। लेकिन लंका में सब राक्षस नहीं है, अच्छे लोग भी हैं, त्रिजटा और विभीषण। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। लेकिन जनकपुर एक ऐसा पुर है कि यहाँ पर महाराज कोई बुरा है ये नहीं है। पुर नर नार्य सुभग सुच संता और धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। अब बताइए पूरे गांव में यक्को तो बुरा होना चाहिए, लेकिन जनकपुर में एक भी बुरा व्यक्ति नहीं है। बोले श्री सीताराम भगवान की जय। और भगवान विवाह भी वहीं करते हैं जहां पर बुराई ना हो। अयोध्या की परिभाषा जानते हैं, ना विकारो यस्य सह, जहां पे कोई विकार ना हो, जहां योद्धाओं में विकार ना हो, वही क्या है? अयोध्या। जहां पर किसी का वध ना हो उसी का नाम है अवध। बोली सच्चिदानंद भगवान की। अवध कौन है? जहां किसी का वध ना हो। अयोध्या में कभी कोई झूठ नहीं बोलता था, सब सत्य बोलते थे। पालने में ही उनको, पालना झुलाते समय महाराज उनको लोरी नहीं सुनाया जाता था। जानते क्या सुनाया जाता था? धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। और जब ये बच्चे बड़े होते थे तो धीरे धीरे ये सत्य के मार्ग पर चलना शुरू कर देते थे। और आजकल आप देखें कि 80% झूठा है, अब 80 का 90 मान लीजिए। अब आप पूछें झूठे की पहचान,
कई लोग कहते महाराज कि झूठे व्यक्ति की पहचान, बोली जो हमेशा कसम खाता मिले समझ लीजिए वही झूठा है, बोली सच्चिदानंद भगवान की। और झूठ बोलने वाले एक एक बहाना ढूंढे रहते हैं, कोई कंठी, कोई जनेऊ, एक जगह तो और विडंबना बनी, एक व्यक्ति आया, गुरुजी आपका तस्वीर चाहिए था, फोटो चाहिए, हमने कहा क्या करोगे, कहा लगाएंगे, हमने कहा कहां, कहा दुकान पे, हमने कहा बड़ा श्रद्धालु है दुकान पे लगाएगा, भाई अच्छी बात है, श्रद्धा होनी चाहिए गुरु के प्रति। तो हमने कहा कि लेकिन घर में तो तुम्हारे फोटो लगा हुआ है। उसने कहा गुरुजी हम हैं बिजनेसमैन, ग्राहक आते हैं, हम कहते हैं ये सामान 75 का, ये सामान 100 का, तो कहते हैं अरे झूठ बोल रहे हो, तो हम कह देंगे कि अगर हम झूठ बोले तो गुरुजी की सौगंध, सामान बिक जाएगा। हमने कहा भैया हम इतने उपयोगी हैं, हमें नहीं पता था, हम आज पता चला कि हम लोग भी काम आ सकते हैं, किसी का बिजनेस न चले और कुछ ना हो तो महाराज अगर हम लोगों को आप व्यवस्था बना लो तो चल जाएगा। बोले सच्चिदानंद भगवान, गुरु जी की कसम, दो पाप गुरु जी जाने, हम तो अपना बार बार झूठ बोल। अच्छा एक बात और बताएं, झूठ बहुत परिस्थिति बढ़ जाए तो बोल देना चाहिए, लेकिन हमेशा हर बात बात पर झूठ बोलने से आपका जो सारा पुण्य है वह नष्ट हो जाता है। आप माला जाप करो, भजन करो, पूजा पाठ करो, और दिन में एक बार झूठ बोल दो आपका सारा पूजा पाठ धर्म सब नष्ट हो गया। बोले सच्चिदानंद भगवान की। तो आप कहेंगे तो महाराज क्या झूठ आखिर बनाया क्यों गया जब बोलना नहीं है? देखो बोलना चाहिए। बोले कहां कहां? बोले विवाह है, किसी कन्या का विवाह हो और आप वहां जा रहे हैं तो कन्या के गुण के विषय में बता करके विवाह कर लीजिए, थोड़ा बहुत झूठ बोल करके। बच्चे को खिलाना हो, हास परिहास करना हो तो झूठ बोलने में कोई पाप नहीं है। वृत्यर्थ अगर आपको व्यापार करना है तो व्यापार में भी थोड़ा बहुत झूठ बोल करके अपना व्यापार आगे बढ़ा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। प्राण संकटे, प्राण संकट में हो तो झूठ बोलने में कोई पाप नहीं है। लेकिन अगर कहीं मान लीजिए किसी व्यक्ति का पद हो रहा हो, आप वहां झूठ बोल दीजिए तो कोई पाप नहीं है। किसी का कुछ भला हो जाए, आप झूठ बोल दीजिए, कोई पाप नहीं है। लेकिन अब ये नहीं कि 2400 घंटा बस खाली झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ ही भोजन, झूठ चबेना, खाते समय झूठ, पीते समय झूठ। आपने सुना होगा कि बनारस में एक ज्योतिषी थे, बहुत बड़े ज्योतिषी, उन्हीं के द्वार पर एक ब्राह्मण आया कटा हुआ हाथ लेकर। ब्राह्मण का कटा हुआ हाथ देखा, लोगों ने पूछा क्या काम है, बोले ज्योतिषी जी से पूछने आया हूं कि हमने अपने जीवन में कोई पाप नहीं किया अपने जानकारी में, तो हमारा हाथ कैसे कट गया, ये जानना चाहता हूं। तो बोले तो ज्योतिषी जी से पूछो। अब जैसे बेचारे घर पर पहुंचे, ज्योतिषी जी की पत्नी से पूछे कि ज्योतिषी जी कहाँ हैं, ज्योतिषी जी की पत्नी ने फटकार करके कहा मर गए। ये बेचारे बोले हम तो अपना दुख पूछने आए थे, यहां तो हमसे ज्यादा पहले से दुखी बैठे बेचारी ज्योतिषी जी। कुछ समय के बाद ज्योतिषी जी आए, उन्होंने पूछा कि महाराज जी क्या बात है, क्या पूछना है आपको? महाराज ये जानना चाहता हूं कि हमारा ये जो हाथ है ये क्यों काटा गया। महाराज हमारे राज्य में एक राजा है, उनके मंदिर का मैं पुजारी था और मैं नित्य उनके यहाँ शिव जी के पूजा में लीन रहा करता था और कुछ करता नहीं था, कुछ मांगता भी नहीं था। राजा के बेटे का विवाह हुआ, बारात में भी मैं नहीं गया क्योंकि साधु संत महात्माओं का सम्मान बारात और रात में नहीं हो पाता। कोई इधर से आएगा महाराज जी कुछ खाए पिए, अच्छा अभी उधर से गया कुछ खाए पिए, अब जो बफर वाले हैं उनका तुम बल्ले बल्ले है और जो बेचारे चूरा दही वाले हैं उनको 2 बजे रात में, 2:30 बजे रात में कोई पूछ लिया तो पूछ लिया, नहीं तो पड़े रहे। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय, कोई पूछने वाला नहीं रहता। तो इन्होंने कहा कि महाराज हम बारात में भी नहीं गए, लेकिन जब दुल्हन आई घर पे तो दुल्हन
रात्रि में सोने के बजाय उसको नींद नहीं आ रही, जग रही है। अब वो बेचारी चारों तरफ देख रही है, देखते देखते उसको एक तलवार दिख गया। अब उसने उस तलवार को उठाया और जहां दूल्हा सो रहा था ऐसे करके, वहीं वो तलवार ऐसे ऐसे कर रही है म्यान से निकाल करके। बस अचानक हाथ से तलवार फिसला और वह उस बर के मस्त गर्दन पे जाकर के गिरा और उसका गर्दन धड़ से अलग हो गया। अब वो रात भर बेचारी चुप रही। अब वो सोचती रही कि क्या कहें, अगर कहते हमने मारा तो हमारे पिता का सम्मान जाएगा, हमारे ससुर का सम्मान जाएगा, और अगर झूठ बोले तो किसके ऊपर लगावे किसने मारा। तो चार बजे लगी रोने और रोते रोते जब लोग इकट्ठा हुए, क्या हुआ क्या हुआ, बोले मेरे पति की हत्या हो गई। कौन मारा, बोले हमें नहीं पता कौन मारा, लेकिन जो मारा इधर गया है। पुजारी जी बोले हम सुबह का समय था, स्नान ध्यान करके भगवान का पूजा पाठ करने ही जा रहे थे कि तब तक तो सिपाही आए पकड़ करके लेकर के, बोले जलाओ राजा साहब बुला रहे, हत्या करके यहाँ बैठे पूजा पाठ करने जा रहे हो। हत्या का नाम सुनते तो सिट्टी पिट्टी कुम, हे भगवान हम काहे किसी को मारेंगे। राजा ने कहा कि आज तक हम आपको अपना गुरु मानते थे, आपको भगवान मानते थे, लेकिन मेरे बेटे का आप हत्या करेंगे मुझे आपसे उम्मीद नहीं थी। आपके दोनों हाथ काटे जाएंगे, मेरे हाथ काट लिए गए। पुजारी जी ने कहा कि मेरे हाथ काट लिए गए, तो उस ज्योतिषी जी ने कहा भैया बात यह है कि अपने कर्म के ही कारण आपका हाथ कटा, इसमें किसी का दोष नहीं था। बोले महाराज जब हमको पता है कि हम किसी का अपमान नहीं किए तो किस पाप के कारण हाथ कटा। बोले इस जन्म का पाप नहीं था, पूर्व जन्म का पाप था। पूर्व जन्म में आप सत्यवादी ब्राह्मण थे, आपका संकल्प था कि मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा। एक दिन एक कसाई हाथ में तलवार लेकर के एक गाय के पीछे पड़ा हुआ था, गाय भाग रही थी। गाय आपके आश्रम के निकट होकर के जा रही थी और उसने कहा कि बाबा अगर कसाई पूछे तो कह देना कि हमने गाय को नहीं देखा, नहीं तो मुझे मार डालेगा। अब कसाई आया, बोले बाबा इधर कोई गाय गई है, आप देख रहे हैं उसके हाथ में तलवार है, लेकिन उसके बाद वो आपने हाथ मुंह से तो नहीं कहा लेकिन हाथ से कह दिया इधर है। तो उस पाप के कारण आपका हाथ कट गया और वो कसाई गया गाय को मारा, गाय मर गई। और जैसे गाय मरी उसी समय शेर ने आक्रमण कर दिया और कसाई मर गया। दोनों को खा करके शेर पेट भर करके चला गया। कुछ दिन के बाद बाढ़ आई गंगा जी में और जब गंगा जी में बाढ़ आई तो शेर जो हड्डी गिरा करके गया था वो दोनों हड्डियां गंगा जी में मिल गई। गंगा जी के प्रभाव से वह जो गाय थी वह राजा की बहू बनी और जो कसाई था वो राजा का बेटा बना। बोली सच्चिदानंद भगवान की। अब चूंकि इस जन्म में इसने गाय को मारा था तो अब अपना बदलाव कैसे भूल जाती, तो जाने अनजाने में उसे उसका हत्या कर दिया। बोले सच्चिदानंद भगवान की। अब आप सत्यवादी थे इस नाते हाथ आपका काटा। महात्मा ने कहा कि वो तो ठीक है लेकिन अब ये बताइए, हमारा तो चलो हम जैसे तैसे झेल रहे हैं लेकिन आप अपनी पत्नी का दुख कैसे झेल रहे हैं, ये तो हम पूछे कहाँ है महाराज जी। तो इसने कहा मर गए। उन्होंने कहा भैया बड़ी दुख भरी कहानी हमारी भी है। कहा क्या? कहा कि पूर्व जन्म में मैं भी था कौवा और हमारी पत्नी थी गधी, इसके पीठ में सब फोड़ा। और मैं क्या करता था, मुझको जैसे ही इसका फोड़ा दिखता मैं चोंच मार देता, ये चिल्ला करके भगती और ये हमसे एकदम व्यथित होकर के दूसरे जंगल में चली गई। और जब दूसरे जंगल में पहुंची हमारा तो अमल लग गया था कि बिना उसके फोड़े में चोंच मारे हमको शांति नहीं मिलती थी। एक दिन मैं ढूंढते ढूंढते पहुंच गया एक जंगल में, छिप करके बेचारी बैठी थी लेकिन जैसे मैं पहुंचा तुरंत चोंच मारा। चोंच मारते ही अब की बार हमारा चोंच उसके फोड़े में फंस गया। चिल्ला करके भागी और भागते भागते ये जाकर के गंगा जी में पहुंच गए और मैं इसके पीठ पर लटका रहा। और अंत में गंगा जी में देर भाव से बहाव आया और उसी बहाव में हम दोनों बह गए। और जब हम दोनों बह गए
तो दोनों की हो गई मृत्यु। तो वो जो गधी थी हमारी पत्नी बन के आई और हम उसके पति बन करके आए। तो उस जन्म में हमने इसको सताया था, इस नाते इस जन्म में हमको सता रही है। तो हम सोचे पिछला जन्म तो खराबे हो गया है, कम से कम अब की जन्मवा तो खराब ना करें। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। ये चिल्ला रही, चिल्लाने दो। तो मेरे बंधुओं, किसी का अगर प्राण बचाना है तो झूठ बोलने में कोई पाप नहीं लगता, लेकिन अब दिन भर झूठ बोलने में आपका जो श्रद्धा है, आपका जो भजन है, वह सब नष्ट हो जाता है। इस नाते ये प्रयास करें कि बहुत ज्यादा या तो मौन रहिए, और या तो बोलिए तो फिर सत्य बोलिए। और ये नहीं कि बस महाराज दिन भर चलता रहे, कोई सुने ना सुने, लेकिन हम तो झूठ बोलेंगे। तो अयोध्या में सब सत्य बोलते थे, लेकिन ध्यान देना, अयोध्या में सब सत्य बोलते थे, उसके बाद भी कुछ असंत थे। लंका में सब असंत थे, लेकिन उसके बाद भी दो संत मिल गए। लेकिन जनकपुर ऐसा है जहां पर असंत है ये नहीं है, खाली संत हैं। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। तो राम जी जनकपुर में पहुंचे, और जब जनकपुर में पहुंचे, आप देखिए अहिल्या के अपयश को नष्ट कर दे वो कौन है। सकल अमानुष कर्म तुम्हारे, सकल अमानुष कर्म तुम्हारे, सकल अमानुष कर्म तुम्हारे, सकल अमानुष कर्म तुम्हारे, केवल कौशिक कृपा सुधारे, केवल कौशिक कृपा सुधारे। तो अहिल्या के अपयश को नष्ट करने का काम भगवान ने किया, इस नाते सकल अमानुष कर्म तुम्हारे। अच्छा अब देखें, हर बार जब कोई अच्छा कार्य होता था तो देवता फूल बरसाते थे। अच्छा अब की बार भी जब कांवरिया गए थे तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने क्या बरसाया था, फूल बरसाया था, पत्थर नहीं बरसाया गया, फूल बरसाया गया। तो उस समय भी फूल बरसाया जाता था, लेकिन अब की बार जब अहिल्या का उद्धार हुआ तो देवताओं ने फूल नहीं बरसाया। दो ही कारण है। पहला कारण ये कि फूल बरसाने वाले जो देवता हैं, देवताओं का मुखिया कौन है, देवराज इंद्र। और इंद्र ने ही चरित्र नष्ट किया था अहिल्या माता का। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। तो इंद्र ने सोचा कि मैंने कितना घिनौना कार्य किया, फिर भी भगवान ने हमें क्षमा कर दिया, तो इसी संकोच के कारण अब की बार इसने फूल की वर्षा नहीं की। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। और दूसरा कारण यह है कि इतना बड़ा कार्य हुआ कि इसमें भगवान की प्रशंसा के लिए पुष्प चढ़ाए जाएं, इतने पुष्प इस नंदन वन में है ही नहीं। बोले सच्चिदानंद भगवान की कि भगवान को पुष्प चढ़ाए जाए। मेरे बंधुओं, अब आप जरा विचार करना यहां पर कि भगवान को पुष्प चढ़ाने की हिम्मत आज देवताओं को नहीं हुई। राम जी आगे बढ़े और कौन से नगर में पहुंच गए, बोले मिथिला में। और बाबा जी कहते हैं राम जी पहुनवा आइले, अरे मिथिला नगरिया हे, राम जी पहुनवा आइले मिथिला नगरिया हे, राम जी पहुनवा मथुरा नगरिया हे, राम जी पहुनवा आइले मिथिला नगरिया हे, राम जी पहुनवा आइले मिथिला नगरिया हे, चलु सख देख ले हूं जीवन के लाभ ले हूं, चलु सख देख ले हूं सखी देख ले हूँ जीवन के लाभ ले हूँ, चलो सखी देख ले हूँ जीवन के लाभ ले हूँ, रूप सुधा भर ले हूँ लोचन डगरिया
सुधा भर ले डगरिया राम जी पहुनवा अहिले मिथिला नगरिया है राम जी पहुनवा अहिले मिथिला नगरिया रे हरि वो कब सब बिसारी सुनी दाए नारी नारी धाम कब सब बिसारी सुनी दाए नारी नारी धाम काम सब बिसारी सुनी दाए नारी नारी धाम कब सब बिसारी लागल है भीड़ भारी जनक दुवरिया है लागल है भीड़ भारी दुवरिया चलो सखी देख ले लोचन डगरिया है चलो सखी देख ले लोचन डगरिया हरि वो बारी बारी गिरधर प्रभु निहारी सर्वस बारी बारी गिरधर प्रभु निहारी सर्वस बारी बारी गिरधर प्रभु निहारी सर्वस बारी बारी बिन मोल सब बिक बिन मोल सब बिक मिथिला के गुजरिया हो मोल सब बिक गुजरिया हो चलो सखी देख ले राम के नगरिया हो चलो सखी देख ले राम के नगरिया हो राम जी पहुनवा अइले मिथिला नगरिया हो राम जी पहुनवा अइले मिथिला नगरिया हो राम जी पहुनवा अइले मिथिला नगरिया हो राम जी पहुनवा नगरिया हो श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। अच्छा एक बात बताएं बरात